जालौन मेट्रो से मरेशमी पाल। आज जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र सोलवे मित्र महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड की संस्कृति तथा विलुप्त होती परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का अनूठा संगम और प्रयास का संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत छत्रसाल इंटर कॉलेज मैदान से हुई और नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी। नगर क्षेत्र के ऐतिहासिक झंडा चौराहे पर पूर्व मंत्री श्री रामपाल तथा प्रमुख समाजसेवी दीपक मित्तल तथा समाजवादी पार्टी के नेता और समाजसेवी इमरान अंसारी सहित कई अन्य लोगों ने जुलूस में शामिल बुजुर्गों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद यात्रा 21 फुटा हनुमान मंदिर मैदान में पहुंची, जहां कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जालौन से दिवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। सोलवा मित्र महोत्सव जनपद जालौनी का बुंदेलखंड की वो पहचान जिसके लिए लोग जनपद जालौन में जाने जाते हैं। सोलवा मित्र महोत्सव एक ऐसी परंपरा, बुंदेलखंड की विलुप्त होती वो परंपरा जिनके बारे में लोग या तो भूलते जा रहे हैं या जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, आज उन्हीं का समागम हुआ है इस बुंदेलखंडी मित्र महोत्सव में। सोलवा मित्र महोत्सव जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में मनाया जा रहा है और इसका इसकी शुरुआत जो है छत्रसाल इंटर कॉलेज से हुई है, जहाँ पर 108 जीवंत पुरखा का पूजन किया गया है, उनके पैर पखारे गए और उसके बाद एक रैली की शक्ल में यानी जुलूस की शक्ल में, एक यात्रा की शक्ल में बुंदेलखंड की विविधाओं को, बुंदेलखंड की परंपराओं को लोगों से परिचित कराने के लिए नगर क्षेत्र में एक यात्रा निकली है और उस यात्रा पे जगह जगह दिखाया गया है तो लोग बढ़ कर आगे जा रहे थे, लोग पुष्पांजलि ऊपर अर्पण कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं यात्रा का हृदय से स्वागत किया जाता है। और इस यात्रा में वो चीज़ें देखने को मिली जो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, यानी कि एक तो जीवंत पुरखा का जो पूजन है वो देखने को मिला है, साथ ही जो बुंदेलखंडी एक राय नृत्य होता है वो भी यहाँ पर कुछ उसके क्षण देखने को मिले। स्काउट गाइड के जो बच्चे थे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को जिस तरीके से सलामी दी वो काबिले तारीफ की। और उसके बाद बहुत सारी ऐसे जो विधाएं हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं वो विधाएं भी यहाँ पर मौजूद रही हैं, चाहे वो आपका महुअर का वादन हो, चाहे दिन दिन घोड़ी एक ऐसी परंपरा जो बरसों से पुराने जमाने से चली आ रही थी वो भी आज यहाँ बरसों बाद देखने को मिली। बहुत सारी ऐसी विधाएं थी जो हमारे दर्शक आप इस हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे, लेकिन इस पर जनपद जालौन के ऐतिहासिक स्थान पर खड़े हैं झंडा चौराहा, एक ऐसा झंडा चौराहा, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग खड़े होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर फहराया जाने वाला तिरंगा अपने आप में ऐतिहासिक महत्व भी रखता है, पौराणिक महत्व भी रखता है। 1847 में मिस्टर व्हाइट ने इस बैठकन को बसाया था, लेकिन उसके बाद जब देश आजाद हुआ 1947 में पहली बार तिरंगा इसी झंडा चौराहे पर फहराया गया था, उसका नाम भी झंडा चौराहे रखा गया था। आज झंडा चौराहे पर हमारे साथ पूर्व मंत्री मौजूद हैं, नगर के समाजसेवी मौजूद हैं, सबसे रूबरू होंगे और बुंदेलखंडी मित्र महोत्सव के बारे में कुछ नई बातें आप लोगों तक हम लाकर देंगे। बुंदेलखंड का मित्र महोत्सव, सोलवा मित्र महोत्सव मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की उन परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है जो विलुप्त हो चुकी है या लोग बहुत कम जानते हैं, ऐसे में आपका क्या संदेश? देखिए बहुत सारी युवा जो नई पीढ़ी है जी, इन पुरानी परंपरा जो उनके सामने पुनरावृत्ति उनकी हो रही है तो उन्हें ये सब जीवंतता लग रही है कि हाँ हम बहुत कुछ पहले हमारी ये परंपराएं थी तो उनकी आस्था अपने आप बढ़ रही है और जो बुजुर्गों का सम्मान किया गया है निश्चित रूप से बहुत ही दर्शनीय और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जहाँ बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है। और जालौन ऐसी जगह बुंदेलखंड में है जहाँ ये अनूठा कार्यक्रम प्रतिवर्ष हो रहा है, इसमें जाति धर्म मजहब राजनीति सबसे ऊपर उठ करके सौहार्द भाईचारा प्रेम इसने का जीवन सामने दिखाई देता है कि हाँ हम जालौन के लोग कितने आपस में घुले मिले हुए हैं, हर ऐसे कार्य को करने के लिए दिल खोल करके लोग इसमें सभी लोगों का धन्यवाद। दीपक जी, आप एक समाज सेवी के साथ साथ आज आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं जालौन के, तो बुंदेलखंड की विलुप्त होती परंपरा पे आज हमने देखा है कि मित्र महोत्सव के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है, आपका इस बारे में क्या है? हमारा ये कहना है जो लोग वाग जीवंत पुरखों को भूल गए वो मित्र महोत्सव के माध्यम से जालौन नगर के छोटे से लेके हर समाज के व्यक्ति ने ये जो कार्यक्रम किया है पुरखों का, ये एक तुलनीय असोचनीय कार्यक्रम है और हिंदू मुस्लिम समस्त की जो एकता और अखंडता दिखाई दी ऐसे कार्यक्रम देखने को बहुत कम मिलते हैं। जालौन नगर की पूरी जनता एक साथ इस कार्यक्रम में, पुराने जितने कार्यक्रम है, दिवाली नृत्य है, नागन बैंड है, श्री राम धुन है, पुरखों का पूजन है, ये सब अखंडता और जालौन नगर वासियों के लिए ये गौरव की बात है कि
सारा नगर इसमें पार्टी धर्म छोड़ के एक साथ इस कार्य को आगे कर रहे। ऐसे ही ये कार्य और भी प्रतिवर्ष इससे भी बड़े आयोजन होते रहे, इसके लिए हम सब लोग सदैव तत्पर हैं। भाई आज सोलहवें मित्र महोत्सव में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान देखने को मिला और वो परंपराएं देखने को मिली जो विलुप्त होती जा रही है, लोग इनसे बहुत कम परिचित हैं। आपके इस बारे में क्या कहें? देखिए, जिस तरीके से आपको ये मालूम है बड़ा नफरत का माहौल चल रहा था, लेकिन इस महोत्सव के रूप में, मित्र महोत्सव के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए, एक संदेश देते हुए हमारी जालौन नगर में इतनी खूबसूरती है, कहीं पे भी कुछ हो जाए लेकिन हमारे नगर में बड़ी खूबसूरती एकता से रहती है। दोनों लोग एक समाज, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी महोत्सव हो, कोई भी रैली हो, किसी भी तरीके से हो, सब लोग एक साथ भाईचारे से मिलके उसको काम को अंजाम देते हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में कभी भी इस मित्र महोत्सव होता है तो हम युवा भी मिलके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।